아닌데 벌써 가라 그래. Hey guys, good evening. कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी. तो guys, इवनिंग का टाइम हो गया है और यहाँ पे देख सकते हैं मैं खा रही हूँ पेड़ा, जो कि ओरिजिनल घर का खोआ का पेड़ा बना हुआ है. कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध खोआ का पेड़ा. बोल रहे हैं कुछ? यहाँ पे मेरी मम्मी आई है, आप लोग देख सकते हैं, मिल सकते हैं. हेलो करें. हेलो. हेलो गाइस. हेलो. नहीं तो गाइस थोड़ी दिन बात कहानी के साथ अपना दुनिया में मस्त रहो, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे मस्ती में. तो गाइस मम्मी मेरी इसलिए आई है क्योंकि मैं अब कल यहाँ से टिकट कट रही है हमारी, तो कुछ कुछ सामान लेकर आई है. अभी एक थैला इसमें आया है और यहाँ पे घी लेके आई है 1 kg. ये देख सकते हैं ये घी लेकर आई है. नहीं खोल रही हूँ क्योंकि फिर मुझे पैक करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा डब्बा छोटा लग रहा है. और यहाँ पे भी आया है सामान जिसमें है चरौरी या दाउरी और चावल, पता नहीं क्या क्या. ये मतलब 20 kg का वजन और बढ़ गया है. जातो ही ना जातो होए एका वो लेकिन के बैग दोनों के एगो हमर ट्रॉली. अगर टीवी खुल गई तो टीवी ऐसा अकेले अकेले ले जाबी इतना. इससे मिल सकते हैं परी. हेलो कर दो. हेलो गाइस. कल मेरी खुआ जा रही है फिर थोड़ा भर ले घोस घोस के बर्तन मुझे कर रही थी. चले हैं चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में. पैकिंग सैकिंग हो गया है. नानी इतना बड़ी गधी लड़की हो गई है. वो चलो सही कर दो तुम अपन मम्मी. हाँ चलो सही करना. यह मस्ती है एकदम छाए हुए. नानी एकदम रगड़ रगड़ के सौम्या को तेल लगा रही है. सौर्य का भी तेल लग गया है. सौर्य सिन तेल लगा के फ्री हुए हैं और सौम्या सिन अब तेल लगवा रही है. देख रही है ऐसा रही सी देखी है रही सी देखो यहाँ ये हो ओने से अलग ही एक थारी. इनको तेल लग गया है. ये है सलाद, ये है गुल्लड़ की सब्जी, यहाँ पे है चिप्स, यहाँ पे है भुंजिया, यहाँ पे है चावल, यहाँ पे है कढ़ी, यहाँ पे है शौर्य, यहाँ पे है मम्मी, ये है सौम्या एंड मी. देखिए दे हो. तो गाइस फाइनली अब खाना वाना खाती हूँ. सबको आने के खुशी में कढ़ी बनता है, हमारा जाने का खुशी में कढ़ी बना है. तो अब हम लोग खाते हैं अपना भोजन के ऊपर फोकस करते हैं, नहीं तो ये टकली सब खा जाएगी. खा लेते हैं पहले. चलो टूट पड़ो. तो गाइस जैसे कि खाना उना खा के यहाँ पे निकल चुकी थी, स्टेशन पहुँच चुकी थी और बहुत ज़्यादा ही गर्मी था और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी हैं. आप लोग फेस देख सकती हैं अंदर से इमोशनल. तो खैर मैं भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब ऐसे जाती थी तो मुझे हट नहीं होता था, बट बहुत ज़्यादा हट हो रहा था.
लेकिन मम्मी को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा धाड़स देती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं वैसे। मम्मी जैसे कुछ बोल भी रही थी और रो रही थी, तो मैं ये खींची बोली थी, करने दो, करने वाले को, जिसको जो अच्छा लगता है करने दो, बट हम अपना जो हमें अपने लाइफ में अच्छा लगता है मैं भी करूँगी, है ना। बहुत देखी, बहुत सोची, बहुत दुनिया की, और यहाँ पे हमारी ट्रेन खुल चुकी थी, तो मैं यही बात कर रही थी। आवाज़ नहीं आई थी ट्रेन में, इसलिए मुझे म्यूट करके ओवर वॉइस करना पड़ रहा है कि हमारी जो ट्रेन है निर्धारित समय से बिल्कुल 2 बजे महाबोधि निकल चुकी है गया स्टेशन से, और हम लोग बैठ गए हैं। यहाँ पे सौम्या भी बैठी है। हमारा टिकट तत्काल लेना पड़ा था, हमें बहुत कॉस्टली पड़ा टिकट, क्योंकि अब इतने गर्मी में स्लीपर में आ नहीं सकती हूँ। और मेरा तो जब से मेरा आना जाना हुआ है गाइज, एक आध बार ही है कि जो स्लीपर में आई हूँ गई हूँ, नहीं तो मेरा हमेशा थर्ड एसी में ही टिकट रहता है, और ज़्यादा ऊपर इससे नहीं लेती हूँ कि भाई थोड़ी सी राहत थर्ड एसी में मिल जाती है, और बाकी में तो पैसा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे सौम्या सौर्य की ट्रेन में हो रही थी मस्ती, लिडो खेल रहे थे ताकि दोनों बोर ना हो, तो दोनों आपस में बिस्किट खा के और लिडो खेल रही थी। तो ये है हमारा, जिसमें मैं बैठी थी वो वाले बॉगी, और थर्ड एसी में टिकट था। और उसके बाद गई इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, और फाइनली जो कैब करके मैं पहुंच गई थी घर 5:40 में, जो है मैं गुड़गांव पहुंच गई अपने घर जहां मैं रहती हूँ उस वाले घर में। तो फाइनली बाय बाय, टेक केयर।